दीक्षा वर्मा, श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी से, और आज हमारे साथ हैं कश्मीर वैली इंचार्ज श्री अमरनाथ जी वेलफेयर सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बंदीपुरा से बीजेपी के तफजुल वानी जी, और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं हमारे साथ जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जम्मू के श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी से सरदार चरण सिंह जी, और साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन बैठी हैं हमारे साथ सुनीता रैना जी जो कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है श्रीनगर से श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी से। और सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारी इस कवरेज इस को कवर करने आए हैं। और साथ साथ प्रेस वार्ता शुरू करते हुए मैं एक बात बोलना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, एक सिर्फ एक अपील करना चाहूँगी, जो हमारा POJK है वो हमें वापस मिलना चाहिए और जो वो हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो वापस मिलना चाहिए। और हमेशा पाकिस्तान बोलती है कि POJK हमारा है, तो वो उनके बाप की जागीर तो नहीं है कि POJK उनका है। इसलिए जल्द से जल्द मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक गुजारिश करती हूँ कि जो हमारा POJK है वो हमें वापस मिलना चाहिए और जो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं वो POJK जल्दी से जल्दी वापस लेकर 7 इलेक्शन होने चाहिए। आगे की जो ब्रीफिंग है वानी साहब करेंगे। जितने भी लैंड माफ है कश्मीर घाटी के अंदर, जो हमारे पंडित भाई 90 से कश्मीर से निकले थे, कुछ उनके पंडित जो अभी कश्मीर में बैठे हैं वो कुछ दरमाट कुछ लेटर पैड दे के कश्मीरियों को ज़मीन बेचता है। मैं इस पर मैंने 4 साल से काम भी किया है, जिस पे मैंने डिमोलिशन भी किया है, जिसमें मुझे श्रीनगर SMC ने बहुत ही अच्छा ताउन दिया है, और जो हमारे LG साहब है मनोज सिन्हा साहब, उसने भी अच्छा ताउन दिया है कि हमने 660 ज़मीनें पंडितों की आइडेंटिफाई की है। मगर हमारा काम इक्वली रहता है क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई है। हमारा मुद्दा यही रहता है कि या शांति होना चाहिए कश्मीर घाटी के अंदर। देख वहाँ पे खून रेजी होती है, परसों हमारा एक पुलिस वाला ASI मार दिया, उसी टाइम ईद का में एक सिविलियन को मार दिया। ये तो अगर अगले 10 साल तक तो ये कश्मीर पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। अब मैं गुजारिश करता हूँ हर एक से, जितनी भी एजेंसियाँ है यहाँ पे हम हाथ जोड़ के गुजार, और बाकी जितने भी छोटे से छोटे लैंड माफिया हो, बड़े से बड़े लैंड माफिया हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जो लैंड माफिया आजकल वो भाग गए हैं, क्योंकि जब से मैंने 3 साल में काम किया है पंडित भाइयों के लिए, इक्वली इसमें सरदार भी है, इसमें मुस्लिम भी है, सारे हम भाई भाई हैं।